गाइस वेलकम बैक टू स्मैम व्लॉग। सो गाइस आज है एक नया दिन और नई सुबह। तो अभी बज रहे हैं 11 और मैं उठ रही थी 7 बजे और आज हमारी छुट्टी है, नहीं तो मैं 11 बजे तक नहीं उठती। बट मैं आज 7 बजे उठ गई थी बिकॉज मुझे नींद ही नहीं आती, बिकॉज हम स्कूल जाने लग गए ना तो जल्दी उठने की आदत लग गई और मुझे वो आदत छोड़नी नहीं, बिकॉज जब स्कूल लग जाते हैं हमारे तो फिर मुझे उठने में दिक्कत होती है। तो आज हम बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है, बिकॉज आज हम जाएंगे अपने घर की पहली रात उसमें रहने के लिए। बेसिकली पापा और सिमर तो पहले भी रह के आ चुके हैं एक रात, जब वो फ्लोरिंग डाल रहे थे, सबको हमने लास्ट व्लॉग में बताया था। बट फ्लोर हो चुके हैं डन, टाइल्स हो चुकी हैं डन एंड हमारा हाउस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस इसमें फर्नीचर वगैरह रह गया है और ब्लाइंड रह गए हैं। ब्लाइंड बाथरूम की और एक बाथरूम की टाइल्स रहेगी, वो इस बार हम जाके वो कर देंगे, बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्टर है बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा, इसलिए हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और बहुत मज़ा आने वाला है बिकॉज एक ही ना नया अपना घर होगा, यू नो मज़ा आएगा, फर्स्ट नाइट एक्साइटमेंट हो रही है। एंड गाइस हमने अपना सारा सामान पैक कर लिया, ब्रश, कपड़े, नहाने का सामान और बाकी जो भी लाइक छोटे मोटी चीज़ें खाने पीने की। और मैं खाना पीना दिखाऊंगी अभी मैं आपको कि हमने पूरा खाना भी पैक कर लिया है। एंड अभी मैं सेम फलियाँ तोड़ूंगी जो हमने उगा रखी है ना, तो कोवेंट्री में जो हमारे कजन्स रहते हैं उनके लिए लेके जाएंगे, यू नो घर का खाना। गाइस अभी हम तोड़ेंगे यहाँ से फलियाँ और मुझे दिख रही है थोड़ी थोड़ी सी, ये कैमोफ्लाज हो रखी है, देखो नीली कहाँ है, ये देखो ये एक फिर आपको दिख रही होगी। और भी ढूंढते हैं और इन्हें उठा तोड़ते हैं और ज़्यादा। ओह ये देखो कितनी बड़ी वाली है, मुझे पता नहीं कौन सी पकी हुई है और कौन सी अच्छी है, ऊपर बहुत सारी है, देखो इतनी सारी। तो भी मैंने तोड़ते हैं एंड चलते हैं। मैंने अभी तोड़ी है इतनी कुछ और इतना, मतलब आधा बैग भर चुका है। बट जो आधी है ना वो देखो जैसे दिख रहा होगा आपको, वो दूसरी साइड पर है, देखो वो दूसरी साइड पे, तो मेरा वहाँ हाथ नहीं पहुँच पा रहा, तो पापा के तोड़ेंगे उन्हें, मैं नहीं तोड़ सकती, बहुत दूर है। पापा मम्मी ने खाना रेडी कर लिया, ये है चावल का डोंगा भर के और यहाँ पे रोटियाँ, इधर है कड़ी, कड़ी और इसमें कुछ है पता नहीं, इसमें शायद आलू है, इसमें कुकर में कुछ नहीं होता, इसमें थोड़ा बोल ले, इसमें करेले हैं, ये मैंने रोटी पैक कर दी है सारी, इसमें करेले हैं, करेले भी बनाए ना मैंने, ये करेले पैक कर दिए, कुछ ये रखे खाने के लिए, ये करेले बाकी, रोटियाँ, सैलड, चटनी और ये है अचार और इसमें है सैलड एंड बाकी ये है कुछ कड़ी और पैक कर रखी है जो, और यहाँ रोटियाँ बन रही है। जो भी हम निकल रहे हैं कोवेंट्री के लिए एंड हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और हमारी गाड़ी में बैठने तक की जगह भी नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने अभी तो कुछ भी नहीं, ये देखो ये किसी ने बाल फाड़ दिया। तो अभी लाइक गाड़ी में भी रजाई भी हम ऐसे के बैठे हैं एंड इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल बिकॉज कोई स्पेस नहीं है यहाँ पे। आज यूजुअल लग रही है रोड पे भीड़ बिकॉज आज है संडे और सारे आ रखे शॉपिंग करने के लिए और उसके साथ साथ ट्रैफिक भी तो हो गई, सब बंद है और कल सब बंद है बिकॉज यहाँ की जो क्वीन एलिजाबेथ थी वो रेस्ट इन पीस हो चुकी है। तो सो ही गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे को पता है मैं अपने चैनल को इंट्रोड्यूस कर रही हूं, मेरे को पता है आप लोगों ने बहुत मिस किया होगा मेरे को, बट नॉनदलेस आई एम बैक नाउ। और अभी हम जा रहे हैं कोवेंट्री, आप पीछे की हालत देख सकते हैं, एकदम जाया करते हैं बड़ी बड़ी हमारी गाड़ी और मैं अपनी जगह चाहती हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ घर देखने के लिए, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम देखा था तो उसमें क्या बोलते हैं हमने फ्लोर नहीं गिरवा रखा था और पर अब उसमें फ्लोरिंग और कारपेट वगैरह सब हुआ है, तो अभी और ज़्यादा बेड बहुत अच्छा था वो था ही, अभी और ज़्यादा अच्छा हो गया। मनु ने लास्ट टाइम बहुत पहले देखा था तो मनु के लिए ज़्यादा सरप्राइज होना चाहिए, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम गई थी उसमें बहुत सारी चीज़ें हो रखी थी पर मनु ने वो सब नहीं देखा, तो उसके लिए ज़्यादा नहीं होगा, मेरे लिए तो फिर भी थोड़ा, मेरे लिए तो बिल्कुल ही सिमर के लिए नहीं, क्योंकि सिमर जब लास्ट टाइम गया था पावर के साथ तो ये वही था। और अभी हम सीधा मिलते हैं आपको उधर ही, अगर बीच में कुछ खाने जैसा रहा तो वी विल कैच यू अप देयर, बट अभी सीधा हम उधर जाके मिलेंगे। सो गाइस ये देखो ये ब्रदर और पापा, तो ऐसे पापा जी क्या करते हैं, वेदर देखो इतना सुहाना वेदर हो रहा है, चाहे तो है लेकिन इसके साथ पकड़ो ना सफर का मजा आया था। एंड गाइस हम हिंदी गाने सुन रहे थे तो
तो आपको दो 5 सेकंड सुना देता हूँ, 5 सेकंड बस। हाँ आप भी क्या याद रखिए। बाय बाय सो गाइस, अभी इतना ही क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो हाँ अभी पूरी वाइबिंग करके हम सो हाँ आपको मिलते हैं गाइस कमेंट्री पहुंच के, क्योंकि अभी सीमर आपके बाद का बाद में वही कपड़े पहने जो मैं पिछली बार पहन गई थी। अभी यहाँ काम चल रहा है, 2 दिन में भी ना ऐसा गाइस हम अपना फुल हाउस छोड़ देंगे, एम्प्टी हाउस छोड़ जब साफ करके कल देंगे इसका। अगर मैं डिसवांटेज बताती हूँ, जैसे कि हम मम्मी ने हमें कमरे में आए और चिल चुल कर रहे हैं अपना, और मम्मी ने हमें बुलाया वो खाना रेडी हो चुका है, तो अभी हम क्योंकि मम्मी की आदत है, हर किसी की इंडियन मम्मी की आदत है कि 15 आधे घंटे पहले ही बताना। सफर करवाना होता ना, वहां बिठवाओ और सफर करो, देखो उस खाने को बनते हुए। तो हम बोलेंगे अच्छा ठीक है चलो हम चलते, क्योंकि हम देखते सकते नहीं कुछ भी आज किचन, और हम जाए 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 चल देखा है तुम बाहर निकल जाएंगे। देखो अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तो चूल्हे पे गैस, चूल्हे पे गैस बंद है वो, स्क्रिप्टेड गाइस। तो आई एम सो हैप्पी टू सी दी, इज ऑल राइट। मेरे पैर इग्नोर करो, सिर्फ मेरा 1-3x में देखो। आई जस्ट लव इट, सब कुछ इग्नोर करो गाइस, इग्नोर करो एवरीथिंग। हां इग्नोर करने वाली चीज से इग्नोर ही करना चाहिए। करोगे तो आई लव यू, अभी संसार के टाइम आते से सेल्फी। मेरे सेल्फ ओ छोटू, नाम क्या है, नाम प्रवीण। हां हमारे साथ चल, घर चल हमारे। क्यों इसके घर ये तो वैसे ही हो गया ना, क्या कर रहा चाचा का भैया, चाचा को ये लो स्टोव चाचा है, तो कहां जाएगी कहां बैठी लगता चाचा, वो कुछ लेने गए थे और वहां खो गए, मिलने में तो कैसे मिलेंगे पता नहीं, किंग गए हो पूछ कैसे नहीं किस कर तो भाई मेरे पास तो किसी के बाल नहीं हो सकते। आपके सिवाय आपके भी नहीं हो सकते, भीजे के भी नहीं हो सकते, अनुजी के भी। लाल लाल लाल, मुझे तो फील ही नहीं हो रहा कि मेरे बाल मुझे फील ही नहीं हो रहा। लाला जी का गुन्नू, लाला जी का गुन्नू घर सबसे आलिशान लगता नहीं बड़े है? चलो सो गाइस अभी हम पहुंच बाहर निकल चुके हैं अपने कजन्स के घर से, नर्सी अंकल और से, अब हम शॉप पे जा रहे हैं ताकि हमें वो चाहिए, मतलब वाइट सिलिकॉन वगैरह चाहिए हमें, एंड ब्रश वगैरह जो भी चाहिए। अभी हम आ चुके हैं अपने घर वापस, क्योंकि अभी हम गए थे अपने ताऊ जी से मिलने के लिए, वो उनकी लाइक फैमिली अभी इंडिया से आई है, और वो
जा रहे हैं लाइक दूसरे पार्ट इंग्लैंड के, तो हम उनसे मिल नहीं पाएंगे बाद में। तो अभी हम अभी वो कोवेंट्री में थे इसलिए हम उनसे मिल लिए हैं एंड अभी हम आ चुके हैं बैक होम। थोड़ी सी शॉपिंग भी करिए, हमने क्या है दूध, बर्तन, मैं घर के लिए बर्तन क्योंकि हम बर्तन आना भूल गए थे, इतना सामान ले गया फिर बर्तन भूल गए थे, और फिर हमारे पास था दूध देखी थी, और बाकी हम खाने पीने का थोड़ा सामान लेके आए हैं। सिर्फ यहाँ से टाइल और जहाँ टाइल लग रही थी वहाँ से देख के इतना प्रोफेशनल फीलिंग नहीं है, फ्रिज तो इधर कुछ नहीं है, तो हम बाहर से दूध लाए थे तो अगर हम बाहर रखते तो वो ख़राब हो जाता, इसलिए हमें उबाल के रखना पड़ा ताकि हम उसे सुबह चाय में यूज़ कर सके या जिसको दूध पीना सोने के बाद वो सोके सोने से पहले हो जाए। चलो अब हम कहते हैं अभी मजा भी तो बाहर निकले की तेरे बाल बूल सब खराब हो जाएंगे अंकल, पहले से घर आ गए थोड़ा टाइम पहले मैंने कर करा था व्लॉग। सो गाइस ये देखो उसमें मैं अच्छे से खाती हूं आपको, मैंने हमारे नॉर्मल गैस पे बताया सिर्फ 1 ओह माय गॉड डोंट माइंड द कंस्ट्रक्शन नॉइज, ये जो टाइल कटिंग वगैरह कर रही है तो आपको नॉइज थोड़ी मिलेगी बिकॉज इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, और पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, कलर धुआं हो गया बट मैं डस्ट जो भी हो गया वो बंद कर दो। नॉर्मल गैस होता है 1, एक यहाँ पे होता है छोटी सी फायर, यहाँ की बड़ी वाली फायर, और यहाँ की सबसे कम फायर, बट इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसलिए काम का इसमें कोई से कोई भी नहीं है, तो बस यही चलता है फिर हो गया। वो कितना गर्म करेगी बस डर लगा ना उसमें खत्ता नहीं लगेगा उसमें लगेगा खत्ता क्या करेगी सुबह यूज करना होगी 2 घंटे से यहाँ खड़े ये दूध गर्म करने के लिए। पहली बात तो ये चूल्हा मतलब कि गैस हमारा एकदम खच्चर है मतलब अच्छा है गैस मनु तो फालतू के लिए क्यों कर रही बिना बात मतलब गैस खराब नहीं है पर हम खराब है जो हमें चलाना नहीं आ रहा अभी बिकॉज गाइस दिस इज अ न्यू गैस स्टोव इज अ इंडक्शन शट अप प्लीज इतना गाइस यूज करते हैं हम पहली बार यूज हां गाइस हम चूल्हा यूज करते हैं ना क्या करें यार हम या तो हमें चूल्हा लगाना आता है या फिर हमें चूल्हा आता है या फिर हमें आता है नॉर्मल वाला गैस ये हमारे पास की नहीं है और ये तब से यही हम दो तब से 1 घंटा पहले ये इसके था अभी ये मुझे लगा कि छोटा है इसलिए मैंने बड़े वाले पे रख दिया ताकि जनता को जागरूक करने की का विचार कर रहे हैं। तो बेसिकली हम सब साथ ही सोएंगे क्योंकि यहाँ से अलग अलग सोने का कोई पॉइंट नहीं बनता जब सब साथ है सब खा रहे हैं सब साथ बैठ रहे हैं तो वाई नॉट क्यों नहीं सो सकते साथ सब ऐसे सब लाइन से बिस्तर लगाएंगे यहाँ लगाएंगे यहाँ अंकल सो जाएंगे पापा सो जाएंगे मैं मम्मी सो जाए नहीं अंकल पापा सिमर मनु मैं और मम्मी ऐसे सोएंगे हम। हाँ जी गाइस देखते हैं अभी सेटिंग का क्या सीन बनेगा पर मोस्ट लाइकली हम इसी कमरे में सोएंगे क्योंकि खाली यही ऐसा रूम है जो साफ पड़ा है। मम्मी ने यहाँ पे झाड़ू मारा अभी और शेट मैं वहीं बैठ गई जहाँ पे कूड़ा था तो मेरे को भी खड़ा देखना पड़ेगा शायद मैं झाड़ूवार के सब साफ सूच के ताकि यहाँ सो सकती हूँ। बाकी कमरों में गंद गंदा गंद भरा पड़ा है। एक छोटा कमरा साफ है पर वो बहुत छोटा है उसमें कोई एक बंदा सो सकता है खाली मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं एक ही बंदा सो सकता है पर कोई पॉइंट नहीं है उस कमरे का तो स्टोर रूम है बेसिकली वो एंड वो डाल उसे नथिंग एल्स उसे अभी मम्मी आएंगे खाना ला रहे हैं वो क्योंकि मैं प्रोफेशनल मैं थोड़ी वो गेस्ट हूँ मैं इस घर में तो मैं ऊपर आके अपना क्या बोलते हैं उसको हिंदी का बहुत अच्छा वर्ड था जो मेरे को याद नहीं आ रहा है सिर्फ नॉर्मल गाइस। और ये मैंने फिर से पापा की ओडी चला ली अब पूरे ठंड में मेरे पे अगर मैं कोई ब्लॉग में आई गलती से तो मेरे ऊपर आपको ये दिखेगी क्योंकि दिस इज माई फेवरेट ओडी और मैं पापा की ओडी चुराती रहती हूँ। थैंक यू गाइस थोड़ी देर में थैंक यू मेरी वो कहा सुनने के लिए बाय गाइस। पापा और सब आ रहे फाइनली हम मैं तो ऊपर आ गई क्योंकि आई कांट जस्ट टेक इट एनी मोर और हमारे बिस्तर हमने यहाँ का जरा इग्नोर करना क्योंकि हम सब यहाँ बिस्तर गए के यही सोए गए क्योंकि हमारे पास अभी बेड नहीं अभी हमारी हो चुकी है सोने की तैयारी हमने अपना खाना खा लिया है बट पापा और अंकल अभी भी अपना दूसरे कमरे में बैठ के खाना खा रहे हैं बिकॉज वो बहुत स्लो आराम है हमसे बातें कर करके खाते हैं बट हमने फटाफट से अंदर खींच लिया खाना बिकॉज हम बहुत भूखे थे तो हमने सांस की तरह सारा खाना खा लिया एंड हमने अपने बिस्तर भी छाप लिए मम्मी कह रही है जी कंफर्टेबल फील नहीं आ रहा बट मुझे तो कंफर्टेबल फील हो रहा है। इंडिया में मैसेज होते थे जब हम किसी के घर जाते तो मुझे तो कुछ डिफरेंट लग रहा है तो यूज़ चीज़ के लिए फिर पानी कैसे पिएंगे बोतल है पापा पानी देगा हाँ
लड़ाई हो रही है गाइस। तो अभी हम चलते हैं सोने और हम ये व्लॉग करेंगे कंटिन्यू कल, वो भी होगी एक नेक्स्ट वीडियो। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। होप यू गाइस एंजॉय द व्लॉग। सी यू गाइस लेटर। बाय बाय।